नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी को सबसे पहले रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको हम अपने चैनल के बारे में बताना चाहते हैं कि हमारे चैनल के द्वारा वन डे एग्जामिनेशन यूपी लेखपाल स्पेशल, यूपी ट्रिपल SC, सुपर टेट, टेट इत्यादि परीक्षाओं की तैयारी के लिए जनरल साइंस और जनरल मैथ की क्लास चलाई जा रही है। आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल से जुड़िए। हमारे चैनल के द्वारा आपको अच्छी चीजें आपकी तैयारी के लिए प्रोवाइड कराई जाएंगी। ठीक दोस्तों, तो अभी तक आगे बढ़ते हैं। पीछे हम लोग आज साइंस की क्लास में करते हैं कि साइंस की क्लास में हम लोग मात्रकों के बारे में पढ़ रहे थे, फंडामेंटल यूनिट्स, मूल मात्रकों के बारे में जानना, उसके अतिरिक्त और भी कुछ मात्रकों के बारे में हमने आपको बताया। सारी वीडियो हमारे YouTube चैनल पे पड़ी हुई है। नए दोस्तों से अनुरोध है कि हमारे पुराने वीडियो में जाके उन सभी मात्रकों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लें, जिससे आगे की क्लास के लिए वो आपके लिए उपयोगी रहेंगे। ठीक, तो कल जब हम लोग मात्रकों के बारे में पढ़ रहे थे तो उस वीडियो में कुछ लोगों के द्वारा कमेंट आया कि सर की CGS पद्धति क्या है, MKS मतलब क्या है, कैसे ये हो रहा है। तो समझिएगा दोस्तों कि ये मापन की हमारी प्रणालियां हैं कि किस प्रणाली में जो हम राशियों को मापते हैं। मापन प्रणालियां हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, इसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स मापन प्रणाली, सिस्टम ऑफ यूनिट्स मापन प्रणाली। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात करें तो जैसे पारा सिस्टम्स होता है, यह PS जिसके बारे में बोला गया कि फुट, यह PS सिस्टम फुट पौंड सेकेंड मतलब इसमें मूल राशियों के मापने के लिए बताया गया है। जैसे फुट मतलब जैसे पहले के समय में लेंथ को, लंबाई को हम लोग फुट में मापते थे, ठीक है, गाते थे इतनी फुट दूरी है। पौंड वजन को, मास को जो है पौंड में मेजर किया जाता था, और टाइम को सेकंड में मेजर किया जाता था। तो ये पुरानी ओल्ड जो है सिस्टम ऑफ यूनिट्स है मापन प्रणालियां, FPS मापन प्रणाली, फुट पौंड सेकंड मीटर प्रणाली, मतलब इसमें लेंथ को फुट में, मास को जो है पौंड में, और टाइम को सेकंड में मेजर किया जाता है। फिर दूसरी प्रणाली की बात करें सिस्टम ऑफ यूनिट्स, तो दूसरी प्रणाली है CGS, CGS सिस्टम। मतलब CGS सिस्टम में लेंथ को सेंटीमीटर मेजर किया जाता है, लेंथ को किसमें सेंटीमीटर में, लंबाई को सेंटीमीटर मेजर किया जाता है, और किसी वस्तु का, किसी ऑब्जेक्ट का जो मास होता है उसको ग्राम में, और टाइम को सेकंड में मेजर किया जाता है, टाइम को सेकंड में मेजर किया जाता है। हमारे CGS सिस्टम की बात है, ठीक है, CGS सिस्टम मूल राशि के मापन के लिए बताई जाती है। फिर तीसरी चीज है MKS सिस्टम, MKS सिस्टम। तो MKS सिस्टम में क्या है कि मीटर, लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं, लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में, मास को किलोग्राम में मेजर करते हैं, और टाइम को सेकंड में, टाइम को क्या करते हैं सेकंड में मेजर करते हैं, ठीक। तो ये MKS प्रणाली होती है। फिर आजकल जो प्रचलित है, जो इंटरनेशनल सिस्टम, मतलब जिसको पूरे वर्ल्ड वाइड जाना जा रहा है, जिस सिस्टम ऑफ यूनिट्स को जिससे बोला गया SI यूनिट्स, तो SI यूनिट्स बोला गया इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम्स, ठीक। मतलब जिस जो सिस्टम अंतरराष्ट्रीय पूरे वैश्विक स्तर पे किसी फंडामेंटल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए यूज की जाती है, वो क्या है SI सिस्टम, वो क्या है SI सिस्टम है। तो ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स है हमारे दोस्त, क्या है सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, FPS, फुट पॉइंट, CGS, MKS, SI। तो कल यही हम विभिन्न राशियों की चर्चा इन सिस्टम में बात की गई थी,
जैसे हमने आपको बताया कि चाल का क्या है, फार्मूला सूत्र क्या है, वेग क्या है, त्वरण क्या है, बल क्या है, ठीक। तो ऐसी कुछ राशियों का कल हमने आपको फार्मूला मात्रक बताया था, ठीक है। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि और राशियों का सूत्र क्या होगा, क्या फार्मूला होगा, क्या मात्रक होगा। कल हम लोग कार्य ऊर्जा तक किए थे, ऊर्जा के आगे की राशियों को करते हैं आज, उनके मात्रकों के बारे में पहचानते हैं, ठीक। जैसे इसके बाद राशि की बात करें तो होगा पावर, मतलब शक्ति। अगली राशि क्या है, पावर मीन्स क्या है, शक्ति, ठीक। शक्ति की बात करें तो शक्ति की जो मात्रक होगा, शक्ति का फार्मूला बात करें, यहाँ इसका फार्मूला बताते हैं, फिर इसका एम के या सिस्टम में यूनिट बताते हैं, फिर सीजीएस सिस्टम में यूनिट बताते हैं, और फिर राशि बताते हैं किस तरह की राशि है। चलिए, तो पावर क्या होता है, पावर जो होता है कार्य बटा समय। पावर क्या होगा दोस्तों, कार्य बटा समय, मतलब वर्क अपॉन टाइम, रेट ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की क्षमता ही क्या है, पावर है, ठीक है। कार्य करने की क्षमता ही क्या है, पावर है, जितनी दर से हम कार्य करेंगे। तो होता है वर्क अपॉन टाइम। एमकेएस सिस्टम में जो इसकी यूनिट है, एम के एस सिस्टम में जो यूनिट होगा, देखिए वर्क की यूनिट कल बताई गई थी आपको, जूल, वर्क की यूनिट जूल, और टाइम की यूनिट क्या हो गई, सेकेंड। टाइम की यूनिट क्या हो गई, सेकेंड हो गई, ठीक है। तो जूल पर सेकेंड हो गया इसका एम के एस सिस्टम में यूनिट, या फिर इसको बोलते हैं वाट, जूल पर सेकेंड, या फिर क्या बोलते हैं भाई, वाट बोलते हैं पावर की यूनिट, ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं तो आपको वर्क की यूनिट सीजीएस सिस्टम में बताई गई थी अर्ग, वर्क की यूनिट सीजीएस सिस्टम में क्या बताई गई थी, अर्ग, और टाइम की यूनिट चाहे सीजीएस हो, चाहे एमकेएस हो, चाहे एसआई, सब में ये होता है अर्ग पर सेकेंड होगा, ठीक है। तो पीछे जाके जो नए दोस्त होंगे वो पीछे जाके हमारी वीडियो से कुछ राशियों के मात्रकों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे। तो पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, इसका मात्रा क्या हो गई, जूल पर सेकंड, या फिर वाट, ठीक, या फिर सीजीएस यूनिट क्या हो गई, अर्ग पर सेकंड। किस तरह की क्वांटिटी है, तो यह कि स्केलर क्वांटिटी है, मतलब अदिश राशि है। स्केलर क्वांटिटी क्या है, अदिश राशि, अदिश और सदिश राशि के बारे में बता दिया आपको, ठीक। ये कैसी राशि है, अदिश राशि है। यहाँ एक चीज आप जानते रहिएगा, जो पूछा जाता है कि एक हॉर्स पावर, मतलब एक अश्व शक्ति कितना होता है, तो 1 हॉर्स पावर जो होता है 746 वाट की होता है। एक हॉर्स पावर 746 वाट या 750 वाट के बराबर होता है, कितना, एक हॉर्स पावर होता है दोस्तों। तो पावर थी, अगली यूनिट की तरफ बढ़ते हैं। अगला यूनिट जो है पावर के बाद बात करते हैं तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बात करते हैं, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक मीन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल जी इक्वल टू होता है या आर स्क्वायर अपॉन क्या हो जाता है, M1 M2, यह मतलब फोर्स, ठीक। M1 M2 दो ऑब्जेक्ट है और आर जो है उन दोनों ऑब्जेक्ट की, दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी है। तो यह ग्रेविटेशनल कांस्टेंट गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी, गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी। तो इसका एमकेएस सिस्टम में जो मात्रक हो जाएगा, देखिए फोर्स का मात्रक हो गया न्यूटन, ठीक है। फिर क्या होगा, डिस्टेंस तो हो गया मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन क्या होगा, किलोग्राम इंटू किलोग्राम, तो किलोग्राम का स्क्वायर हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर,
स्क्वायर। सीजीएस यूनिट की बात कर ले तो न्यूटन का क्या हो गया, ये अर्ग हो जाएगा सीजीएस यूनिट, अर्ग नहीं डाइन, इसकी सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगी, डाइन, डाइन पर सेंटीमीटर, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर और क्या हो गया ग्राम स्क्वायर। ठीक है, ये भी क्या है अदिश राशि, ये भी क्या है अदिश राशि मीन्स स्केलर है। ठीक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक की वैल्यू फिक्स होती है। ठीक, तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक की वैल्यू की बात करें तो जी इज इक्वल टू जो बताया जाता है जी इज इक्वल टू 6.67 × 10⁻¹¹ क्या हो जाता है -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर हो जाता है, ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक की वैल्यू हो जाती है। दोस्तों बात समझ में आ रही होगी तो हमारी वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। ठीक है, और भी दोस्तों से बताइएगा कि हमारे चैनल पे वन डे एग्जाम के लिए जनरल साइंस और जनरल मैथ की क्लास चलाई जा रही है। दोस्तों ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, गुरुत्वाकर्षण नियतांक ऐसे नियत जो है आपके सूत्र या उनके मात्रक एसआई सिस्टम सीजीएस सिस्टम किस तरह की राशि है पूछे जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में, ऐसा नहीं कि हम उड़ोल जुड़ोल कुछ पढ़ा रहे हैं आपको दोस्तों। ठीक है, तो ये सब आपके एग्जामिनेशन पॉइंट में पूछे गए हैं, इस नाते बताया जा रहा है। ठीक, तीसरी अगली चीज बढ़ते हैं, अगली चीज गुरुत्वाकर्षण नियतांक के बारे में पढ़े तो अगला है गुरुत्वीय त्वरण मतलब ग्रेविटी जानते हैं, क्या है ग्रेविटी, ग्रेविटी गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण ग्रेविटी क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण को स्मॉल जी से लिखते हैं, स्मॉल जी इक्वल टू होता है कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर, कैपिटल जी मतलब गुरुत्वाकर्षण नियतांक, यम मतलब मास ऑफ अर्थ होता है, यम मींस क्या होता है मास ऑफ अर्थ होता है, और आर स्क्वायर मतलब रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, आर क्या है रेडियस ऑफ अर्थ मतलब पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी का मास, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ये है गुरुत्वीय ग्रेविटी, ये गुरुत्वीय त्वरण। तो गुरुत्वीय त्वरण एक तरह का त्वरण है, तो पीछे हमने आपको त्वरण के बारे में बता रखा है पिछली क्लास में, त्वरण का मात्रक बताया गया था मीटर पर सेकंड स्क्वायर एमकेएस या एसआई सिस्टम में, और ये सीजर सिस्टम की बात करें तो सीजर सिस्टम में त्वरण का मात्रक क्या हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, ये क्या होगी त्वरण जो होगी, त्वरण एक सदिश राशि होगी क्योंकि इसकी दिशा होती है, इसकी ये क्या होती है निश्चित दिशा होती है, त्वरण है तो त्वरण आपको पहले बताया गया कि त्वरण क्या है सदिश राशि है दोस्तों। ठीक है, तो क्या ग्रेविटी गुरुत्वीय त्वरण के बारे में आई बात, यदि हम अर्थ पे ग्रेविटी की वैल्यू की मांग करते हैं जीई मतलब अर्थ पे पृथ्वी पर, ठीक है पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 m² होता है, कहां पर पृथ्वी पर, पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण 9.8 m² होता है, और चंद्रमा पर कितना होता है, चंद्रमा पर दोस्तों चंद्रमा पर जो ग्रेविटी होती है स्मॉल जी एम वो अर्थ की ग्रेविटी का 1/6 होता है, अर्थ की ग्रेविटी का क्या होता है 1/6 होता है ग्रेविटी। तो ये ग्रेविटी गुरुत्वीय त्वरण के बारे में, पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान और चंद्रमा मतलब मून पर गुरुत्वीय त्वरण का मान बताया गया। ठीक, फिर आगे देखिए अगली चीज है इसी से रिलेटेड भार, भार भार मतलब जिसको बोलते हैं वेट, भार क्या चीज है वेट, ठीक है भार क्या चीज है वेट, वेट एक तरह का बल होता है जो पृथ्वी के द्वारा किसी वस्तु पर लगाई जाती है। एक भार वेट जो होता है एक तरह का क्या है फोर्स होता है बल होता है जो पृथ्वी के द्वारा किसी वस्तु पर लगाई जाती है दोस्तों। ठीक, तो होता है भार होता है, तो भार वेट जो होता है ये होता है एम जी मास, ठीक है एम मतलब मास और जी मतलब क्या है ग्रेविटी, जी मीन्स क्या है ग्रेविटी मतलब गुरुत्वीय त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है, द्रव्यमान गुणे क्या होता है त्वरण। ठीक है, इसका सूत्र हो गया क्या
द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब ये भी बताया गया कि एक तरह का फोर्स है, बल है, तो इसका मात्रक जो बल का मात्रक है वही इसका मात्रक हो गया। मतलब बल का मात्रक आपको बताया गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। या फिर बोला गया इसे क्या, न्यूटन। बल का मात्रक क्या है, न्यूटन है, तो इसका मात्रक भी क्या हो गया, न्यूटन हो गया। इसका मात्रक भार का मात्रक, ठीक, न्यूटन हो गया। अब इसका जो एसआई मात्रक होगा, मतलब सीजीएच मात्रक, वो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा बातों को, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर क्या बोला गया डाइन, या फिर क्या बोला गया डाइन होता है, ठीक है। अब भार भी एक सदिश राशि है, क्योंकि भार जो है पृथ्वी के द्वारा किसी वस्तु पर लगाया गया बल है। पृथ्वी के द्वारा किसी वस्तु पर लगाया गया क्या है, बल है। तो ये भी क्या है, वेक्टर राशि है, मतलब क्या है, सदिश राशि है, ठीक। तो भार क्या है, सदिश राशि है। थोड़ी सी बात समझिएगा दोस्तों, जैसे अभी बताया कि पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण 9.8 है, ठीक है, और चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी का क्या है, 1/6। तो ऐसे ही यदि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार जो रहेगा, वो चंद्रमा पर जाके उसका भार कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। जैसे कहा जाए कि पृथ्वी पर यदि किसी वस्तु का भार, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 60 न्यूटन हो, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार क्या हो, 60 न्यूटन हो, तो चंद्रमा पर उस वस्तु का जब भार होगा, मतलब वेट होगा, ठीक है, चंद्रमा पर उस वस्तु का जो वेट होगा वो पृथ्वी के वेट का 1/6, अर्थ के वेट का, अर्थ के भार का 1/6, तो कितना आ जाएगा, केवल 10 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार जो हो गया, वो जो हर जगह समान होगी, ठीक है, भार मास बराबर होता है, द्रव्यमान। भार जो होता है वो अलग अलग जगह पे भार क्या होता है, बदलता रहता है, भार अलग अलग जगह पे बदलता रहेगा, जैसे जैसे स्थान चेंज होगा, क्योंकि उसका जो मान है वो किस पे डिपेंड करता है, ग्रेविटी पर डिपेंड करता है दोस्तों। तो बात आ गई समझ में, पृथ्वी पर कार्य यदि भार 60 न्यूटन है, तो चंद्रमा पर भार कितना होगा, पृथ्वी के भार का 1/6, मतलब 60 है तो चंद्रमा पर कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन हो जाएगा। तो ये चीज वही शक्ति पावर बताया गया, ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ग्रेविटी और भार बताएगा, इनके फार्मूले बताएंगे, एमकेएस, एसआई सिस्टम, सीजीएस किस तरह की राशि है। आगे बढ़ते हैं और चीज जानते हैं। अगली राशि की चर्चा करते हैं। अगली राशि है प्रेशर, ठीक है। अगली राशि क्या है, प्रेशर मतलब दाब, प्रेशर। अगली राशि क्या है, प्रेशर जिसको बोलते हैं क्या, दाब, ठीक है। तो प्रेशर जो होता है लंबवत बल, लंबवत बल किसी भी सतह पे जो बल लगेगा, कैसा बल लगेगा, लंबवत बल, मतलब सतह पे 90 अंश का कोण बनाते हुए जब बल लगेगा तो कहलाएगा प्रेशर, ठीक है। लंबवत बल बटा क्षेत्रफल, लंबवत बल बटा क्या होता है, क्षेत्रफल होता है दाब, लंबवत बल बटा क्षेत्रफल क्या होता है, दाब होता है, ठीक है। तो इसकी जो एमकेएस सिस्टम में मात्रक होगा या सीजीएस सिस्टम में मात्रक, लंबवत बल, तो बल का मात्रक अभी बताएगा क्या, न्यूटन बताएगा भाई, तो न्यूटन, और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, पीछे सब बताया जा चुका है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दाब का मात्रक हो गया दोस्तों। या फिर इसी दाब के मात्रक को बोला जाता है पास्कल, क्या बोला जाता है, पास्कल, जिसे PA से रिप्रेजेंट करते हैं, लिखते हैं, ठीक, क्लियर आई बात में। तो प्रेशर दाब, ठीक है, जिसका फॉर्मूला क्या बताया गया, दाब का लंबवत बल, मतलब जो बोला गया थ्रस्ट, क्या बोला गया, थ्रस्ट अपान क्या हो गया, एरिया, थ्रस्ट अपान क्या हो गया, एरिया, ठीक
न्यूटन मीटर स्क्वायर या फिर बोला गया पास्कल। सीजीएस यूनिट की बात कर ले तो सीजीएस यूनिट फोर्स का क्या हो गया टाइम, और एरिया का हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, टाइम सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बात है कि दाब किस तरह की राशि है, तो दाब की एक दिशा है, जो दिशा क्या है किसी सरफेस के लंबवत। दाब की दिशा क्या बताई जा रही है, किसी सरफेस के लंबवत बताई जा रही है। तो इस कारण ये कैसी राशि हुई बाबू, वेक्टर राशि हो गई। वेक्टर मतलब बताया जा रहा अदिश, मतलब कि जिस राशि की दिशा और परिमाण, जिस राशि का दिशा और परिमाण दोनों होता है होती है सदिश राशि। फिर है वायुमंडलीय दाब की बात करते हैं, वायुमंडलीय दाब अगली चीज है, वायुमंडलीय दाब। ठीक है, वायुमंडलीय दाब जो बोला जाता है एटमोस्फेरिक, एटमोस्फेरिक प्रेशर, एटमोस्फेरिक प्रेशर। एटमोस्फेरिक प्रेशर के बारे में यदि बात करें तो एटमोस्फेरिक प्रेशर की जो यूनिट होगी, ठीक है, सीधे यूनिट की बात करते हैं, बार होती है। क्या होती है, बार होता है इसका एमकेएस या सीजीएस यूनिट क्या होता है, बार। और एक बार की जो वैल्यू होती है, ठीक है, एक बार जो होता है किसके बराबर होता है, वो 10^5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक बार किसके बराबर होता है, 10^5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। अब ये दाब क्या होती है, एक तरह से स्केलर राशि है, मतलब क्या है, अदिश राशि। दाब क्या है, अदिश राशि। वायुमंडलीय दाब मतलब वायुमंडलीय दाब को कैसे मापते हैं, तो इसका मापन किया जाता है बैरोमीटर से। इसका मापन किससे किया जाता है, बैरोमीटर की एक यंत्र है, बैरोमीटर डिवाइस के द्वारा वायुमंडलीय दाब को क्या करते हैं, मेजर करते हैं, मापते हैं। ठीक है, वायुमंडलीय दाब होता क्या है, हमारे वायुमंडल के द्वारा पृथ्वी पर, ठीक है, वायु के आवरण के द्वारा पृथ्वी पर जो दाब लगाया जा रहा है वही क्या है, वायुमंडलीय दाब है। वही क्या है, वायुमंडलीय दाब, एटमोस्फेरिक प्रेशर। किसमें मापते हैं, बार। इसकी एसआई यूनिट एक बार 10^5 न्यूटन मीटर स्क्वायर। किस यंत्र से नापा जाता है, बैरोमीटर डिवाइस से, जिसमें मरकरी लेवल का, ठीक है, क्या मरकरी लेवल का पाठ्यांक नोट करते हैं। दोस्तों यदि हमारी क्लास समझ में आई हो, पसंद आई हो, तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा कि अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस पे तमाम वनडे एग्जाम की तैयारी की जा रही है। ठीक दोस्तों, जो बात ना समझ में आएगी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो और आगे मातृकों की चर्चा की गई। ठीक, धन्यवाद आप सभी को।